बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज रमज़ान की रेसिपीज़ के सिलसिले में हम बनाएंगे चिकन चिली पकौड़ा। बेहद मज़ेदार बनते हैं, बेहद आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ब्रेड क्रम्स, मैदा, अंडे और ग्रीन चिली। इसके साथ ही बोनलेस चिकन थोड़ा सा और सफ़ेद सिरका। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी डालेंगे, साथ में एक लहसुन का जवा और थोड़ा सा नमक डाल के इसको उबालेंगे। आगे चलते हैं, तब तक हम एक बर्तन में बराबर मिकदार में पानी और सिरका डालते हैं, और इसके साथ ही हमारे पास जो ग्रीन चिली है उसको बीच में कट लगा के उसके अंदर से सारे बीज निकाल कर बाहर कर देंगे। और जब सारी मिर्ची हमारी तैयार हो जाएगी इसी तरीके से, तो जो पानी हमने विनीगर और पानी जो पानी तैयार किया है तो उसमें हम मिर्चों को डिप करके रख देंगे 5-10 मिनट। साथ में हमारा चिकन भी बॉयल हो चुका है। अब इसके लंबे लंबे कतले काट लेंगे, जितनी मिर्ची होगी उसी हिसाब से हमने चिकन काट लिया है। साथ में चीज़ भी है हमारे पास, तो जो कट है मिर्ची का उसके अंदर पहले चीज़ रखेंगे और इसके बाद चिकन रखेंगे, और इसको बंद करके ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं बंद कर रही हूँ, सारी मिर्ची तैयार कर लेंगे, फिलिंग कर लेंगे इसकी, और फिर इसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए पहले इसको ड्राई मैदा यानी कि सूखे मैदे में अच्छे तरीके से कोट करेंगे ताकि जो मिर्ची का गीलापन है वो हट जाए। इसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे और इस तरीके से इसकी अंडे में कोटिंग अच्छी हो जाएगी, और आखिर में इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। और बस इसी तरीके से सारी मिर्ची हम तैयार कर लेंगे, और जब हमारी सारी मिर्ची इसी तरीके से कोट हो जाएगी तो फ्राई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलते हैं, कढ़ाई में तेल गरम है, मीडियम फ्लेम पे हम ये सारी मिर्ची के पकौड़े जो हैं तलेंगे, और बहुत ही मज़ेदार चटपटे छोटे बड़े सभी इसको खा सकते हैं, बेहद मज़ेदार। तो ये चिली बाइट्स हमारे तैयार हैं, ट्राई कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।